अर्जावर टीवी में आपका स्वागत है। हम अब तक अन्य कई ज्योतिषियों से बात किया, अब हमारे साथ हैं डॉक्टर राघव भट्ट जो अंक विज्ञान अंक शास्त्र में इनका महारत हासिल है। हम इनसे बात करें अंक शास्त्र के बारे में। भट्ट साहब हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरे प्रणाम। अंक शास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं तो अंक शास्त्र का 1 से 9 तक का ही सारा विश्लेषण होता है जी। तो कैसे आप किसी के बारे में बता सकते हैं, किसी का जो जन्म तारीख में चाहे जन्म अंक में ये उसका अंक मूल अंक है, ये कैसे आप बताते हैं? देखिए, अंक शास्त्र में करीबन 4 विद्याएं हैं। पहला पाइथागोरियन है, एक चिलेडियन है, एक हिब्रू है और एक कबाला है। ये सभी विद्याएं जो हैं, जिसमें पाइथागोरियन सबसे प्राचीन है, करीबन 2500 साल पुरानी है। इसके बाद चिलेडियन जो है वो 1906 में इंडिया में आई, और उसके जो जानकार थे वो इजिप्ट के थे, लेकिन भारतवर्ष में ये सीखे और उसके बाद वापस इजिप्ट चले गए। इसके बाद जो आपके हिब्रू है, हिब्रू लैंग्वेज जो है इज़राइल की है, और कबाला जो है वो स्पेन से और इज़राइल से आई। तो इसमें जो 1 से 9 तक का जो विश्लेषण है, 1 और 9 का जो विश्लेषण, उसमें सारी चीज़ें पता लग जाती है व्यक्ति के बारे में। मतलब व्यक्ति 1 से 9 तक में पूरे मतलब जीवन के सभी एक एक पहलू को 1 से 9 तक में समेट के रख लेता है। इससे एक एक चीज़ पता लग जाती है व्यक्ति की। आप अंक शास्त्र द्वारा पद्धति किसके बारे में बताते हैं, कितना सटीक बैठता है, कितना अगर मान लीजिए किसी का जन्म तिथि है 15 तारीख है, किसी का 17 तारीख है, तो अलग अलग आप अंक हो जाएगा लोगों का जी। अगर उसके बारे में बताते विश्लेषण करते कितना सटीक बैठता है? तो आपको मैं एक बता दूँ कि अंक शास्त्र जो है वो भी एक बहुत प्राचीन विद्या है, और वो भी एक तरीके से जैसे अपने वैदिक है, क्योंकि उसमें भी वैदिक का एक ग्रिड बनता है और उसी के अकॉर्डिंग है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि 1, 7, 8 का जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो अपने नरेंद्र मोदी जी का बनता है, इसमें हमेशा कमांडिंग पावर रहती है। और जैसे मैं एक आपको बताया था कि एक प्राचीन विद्या है जो इज़राइल से आई, कबाला, जिसके भारतवर्ष में कुछ ही लोग हैं जो कबाला सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। कबाला में जैसे नरेंद्र मोदी जी का 2 नंबर निकल के आता है, वो तो आप देखिए कबाला, अगर किसी का हर एक व्यक्ति का एक कबाला नंबर होता है, जिसको एक्टिवेटर नंबर भी बोलते हैं। अगर वो एक्टिवेटर नंबर व्यक्ति को पता लग जाए, जैसे नरेंद्र मोदी जी का 2 नंबर है, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं वो, तो जिन जो स्पिरिचुअल होते हैं और मेडिटेशन जो बेस्ड होते हैं व्यक्ति, उनका कबाला नंबर भी एक्टिवेट होता है। क्योंकि अपने जो चक्रास हैं वो 7 चक्र हैं, लेकिन जो अपने वैदिक जो वेद पुराण बोलते हैं कि अपने 9 चक्र हैं, अपने मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र बीच में 2 चक्र हैं 4 और 5 नंबर के। तो उसमें एक सूर्य चक्र है 4 नंबर का, और 5 नंबर पे जो है चंद्र चक्र है। तो 2 नंबर जैसे नरेंद्र मोदी जी का निकल के आता है, तो सारे काम इनके 2 तारीख को हुए हैं। जैसे आपको मैं एक उदाहरण दे दूँ, इन्होंने जब पहली मुख्यमंत्री की शपथ गुजरात की ली थी, उसका टोटल भी 2 है। इन्होंने 14वें प्रधानमंत्री की जो शपथ ली भारतवर्ष में, उसका टोटल भी 2 है। इनके साथ जो अमित शाह साहब रहते हैं, उनका टोटल भी 2 है। इस तरह से वो कबाला नंबर जो है प्रॉस्पेरिटी में आपके साथ हो जाती है। जैसे मैं आपको दूसरा उदाहरण दे दूँ, शाहरुख खान जो है उनका 4 नंबर है, तो उनके सारे काम 4 को हुए हैं। तो एक कबाला नंबर या आपके हिब्रू नंबर या आपके जिलेडियन नंबर या आपके पाइथागोरियन नंबर, एक एक नंबर हर एक व्यक्ति के साथ जो अटैच होता है, और वो व्यक्ति का संपूर्ण विवरण दे देता है। देखिए कि किसी के भी ग्रिड में अगर 2, 5 और 8 और किसी के ग्रिड में 4, 5 और 6, ये 2 कॉम्बिनेशन, ये राजयोग कारक है। मतलब किसी की कुंडली में अगर राजयोग है तो न्यूमरोलॉजी से पता पड़ जाता है। और हम न्यूमरोलॉजी से, मैंने न्यूमरोलॉजी से लोगों को आपके महादशा अंतरदशा तक निकालना सिखाया है, तो वैदिक के जैसा ही न्यूमरोलॉजी काम करती है। कोई बताता है कि आपने 3, 5, 8 ऐसे लोग के बाद 3, 5, 7 ऐसे थे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं किसी के जन्म में तीनों ही मिल जाए, तो अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं जी। तो उसके बाद फिर उसको कैसे विश्लेषण आप करते हैं? उसको ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया ये है कि देखिए, 2 विषय हैं। एक आपका मूल्यांक है, जो आपका जन्म तारीख है वो आपका मूल्यांक और भाग्यांक है। मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आपकी डेट को कोई चेंज नहीं कर सकता, वो ईश्वर प्रद है। लेकिन जो आपका नाम है वो आपकी डेस्टिनी है, दैट शुड बी चेंज।
तो नाम से हमेशा 1, 3, 5 और 6 पकड़ लेके आ जाते हैं तो व्यक्ति की डेस्टिनी चेंज हो जाती है और उससे व्यक्ति की जो प्रॉस्पेरिटी मिलती है उसका कोई सानी नहीं होता। जैसे मैं एक हिब्रू के बारे में बता दूं कि आईपीएल में जो 60 मैच हुए थे और हिब्रू से मैंने जो निकाले उसमें 58 प्रेडिक्शन परफेक्ट गए, तो ये सटीक मतलब वैदिक से भी के बराबर। वैदिक अपनी माँ है, वैदिक की जानकारी तो बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में, जो माँ की जो पढ़ाई है वो तो बहुत ज़रूरी है। और ये भी जो है क्योंकि जो ये चिलेरियन जो हीरो जो थे जिन्होंने चिलेरियन निकाला उस वो भी इंडिया से पढ़ के गए, केरल के एक बहुत बड़े विद्वान थे उनसे पढ़ के वापस इजिप्ट गए और 7 जुलाई 1906 को भारतवर्ष में आई चिलेरियन। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं कि हमें भाग्य बदलना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र भाग तो बदला नहीं जा सकता, जो कर्म पहले हमारे थे उसके हिसाब से भाग होता है। तो फिर लोग क्यों जाते हैं ज्योतिष के पास कि हमें भाग बदल दो, मेरा कर्म अच्छा कर दो, क्यों जाते हैं? नहीं, ये तो सर जो आपका जो प्रारब्ध है या पूर्व जन्म कर्म जो आपकी चीजें हैं उनको कोई नहीं बदल सकता, सिर्फ अपने कर्म को अपन दान है पुण्य है वो करके अपने कर्मों को थोड़ा जो पिछले जो अपने प्रारब्ध है उनको अपन कम किया जा सकता है। अपने कर्म भाग और अपने अच्छे कर्म से हम अपने भाग को बदल सकते हैं। कहना था भट्ट साहब का कार्यक्रम हमारे आया, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। और मैं विशेष रूप से नरेश जी भाई साहब का बड़े इनका मेरे ऊपर बड़ा इनका उपकार रहता है, हमेशा जब भी इनसे बात करता हूँ मेरे को बड़ा अच्छा लगता है और हमेशा इन्होंने अपने भाई की तरह मुझे समझा है, इसके लिए मैं इनका बड़ा आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूनम जी का भी बड़ा आभारी हूँ जिनकी वजह से आज मेरे दर्शन हुए इनके, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।